प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाए जाने पर बुधवार को शास्त्री चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। प्रियंका की कांग्रेस में आधिकारिक एंट्री ने राजनीति में हलचल बढ़ा दिया। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुरीता करीम, डॉक्टर वजाहत करीम, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रेमलता चतुर्वेदी, प्रवीण पासवान, कालिका बादल चतुर्वेदी, अभिजीत पाठक, महेंद्र मोहन तिवारी, स्वप्निल श्रीवास्तव, विश्व विजय सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए AICC सदस्य डॉक्टर तलत अजीज और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, आज सारे कांग्रेस जन और मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये जो है और विशेष तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी हम सब हैं, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी इंचार्ज और AICC जनरल सेक्रेटरी का चार्ज मिल गया है मैडम प्रियंका गांधी जी को। और इस खुशी के असर पर हम लोग इकट्ठा होकर के अभी मिठाई खा करके आ रहे हैं और आज आपके सामने भी अभी पटाखा फोड़ करके और अपने खुशी मनाने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के ईस्ट यूपी का इंचार्ज, पूर्वी जोन की इंचार्ज होने का, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, इसकी खुशी मना रहे हैं हम लोग। लगातार मांग थी कि प्रियंका गांधी जी को सक्रिय राजनीति में लाई जाए। हम लोगों की मांग को देखते हुए प्रियंका गांधी को यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है। बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे।